सब्सक्राइब कीजिए सरल शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, जीत हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैमरा के 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में, जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल से सेल्फी लेते हैं तो ये वीडियो स्किप किए बिना अंत तक देखते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने फ़ोन कैमरा का फर्स्ट ट्रिक ये है कि अगर आप कहीं पर किसी भी फ़ोटो दौड़ते हुए कैप्चर करते हैं तो वो फ़ोटो अच्छा नहीं आता है। तो उस वक्त आप ये कर सकते हैं कि आप एक सेकंड में 20 फ़ोटो कैप्चर कीजिए, तब आपको एक ना एक फ़ोटो अच्छा आ ही जाएगा। तो आपको एक सेकंड में 20 फ़ोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपका फ़ोन का कैमरा ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपका यहाँ पर एक सेकंड में 20 फ़ोटो आ जाएगा। और जैसे ही एक सेकंड में 20 फ़ोटो आ जाता है तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से फ़ोटो आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारा फ़ोटो मिल जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से एक सेकंड में 20 फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आपको कोई फ़ोटो अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, या तो अच्छा फ़ोटो को आप यहाँ से सेव करके रख भी सकते हैं। तो ये था पहला ट्रिक। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक के तरफ। तो फ्रेंड्स, जब आप सेल्फी लेते हैं तब आपके ड्रेस में या तो आपके पीछे यानी कि आपके बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ होता है तो वो उल्टा आ जाता है। तो आप चाहते हैं कि आप सेल्फी भी ले और आपके बैकग्राउंड में लिखा हुआ जो भी है वो सीधा आ जाए, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा सेटिंग करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कैमरा ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करना होगा, और स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मिरर फ्रंट कैमरा, तो आप इसको ऑफ़ कीजिए। तो ऑफ़ करने के बाद आपके बैकग्राउंड में जो भी लिखा हुआ होता है वो सीधा आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी किसी का फ़ोन में ये जब आप ऑफ़ करते हैं तब आपके लिखा हुआ जो भी है वो उल्टा आ जाता है, और जब आप ऑन करते हैं तो वो सीधा आ जाता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट ट्रिक ये है कि जब आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आप फ़ोटो क्लिक करते हैं, लेकिन बाद में जब भी आप वो फ़ोटो को देखते हैं तो आप ये सोचने लगते हैं कि ये फ़ोटो आखिर में मैंने कहाँ पर लिया था। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा सेटिंग करना है, उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि आपने वो फ़ोटो कहाँ पर लिया था। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कैमरा ओपन कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कीजिए और सेटिंग पर जाइए, और उसके बाद आप यहाँ पर सेव लोकेशन इन्फो आप इसको इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आप जब भी जहाँ भी फ़ोटो लेते हैं तो वो लोकेशन सेव करके रख देता है, तब आप बाद में अगर भूल भी जाए तो वो आप लोकेशन से पता कर सकते हैं कि आपने वो फ़ोटो कहाँ से लिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।